हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्थित जी क्विज में। तो दोस्तों, बिहार डीएलएड के लिए आज जो है कि साइंस का बीबीआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट 1 रहने वाला है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये 14 से 20 सितंबर स्पेशल प्रैक्टिस सेट आप सभी को दिया जा रहा है। आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम सिर्फ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का लगभग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे दो पार्ट में। तो कंप्लीट आप सभी जरूर कवर कर लीजिएगा, इसी में आपको दो पार्ट कवर करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर मत, घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि किसी जीव का विकासीय इतिहास को किस रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जाति वृत्त के रूप में जाना जाता है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, लिखने से क्या होता है, क्वेश्चन आपको प्रॉपर याद होता है, तो हर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लिखा जरूर कीजिए। तो क्या हो जाएंगे राइट आंसर, जाति वृत्त होता है, ध्यान रखेंगे आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है, हर क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है, लिटमस को डैश से निकाला जा सकता है। फ्रेंड, राइट आंसर ऑप्शन मसी जाएंगे, सेवाल से निकाला जा सकता है। ऑप्शन मसी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। लिटमस को हम सभी किससे निकाल सकते हैं, तो सेवाल से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि उस उत्तक का नाम बताइए जो जानवरों में नहीं पाया जाता है। फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी राइट आंसर बताइएगा, उस उत्तक का नाम बताइए जो जानवरों में नहीं पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, मेरे स्टोमेटिक उत्तक जो है फ्रेंड, ये जानवरों में नहीं पाया जाता है। क्या चीज जानवरों में नहीं पाया जाता है, तो मेरे स्टोमेटिक उत्तक ये जानवरों में नहीं पाया जाता है, जबकि वसा उत्तक, डेंट्राइट और संयोजिक उत्तक ये सभी फ्रेंड जो कि जानवरों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि एनीमिया डैश की कमी के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, लोहा की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। फ्रेंड याद रखेंगे आप सभी, किसके कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, तो लोहा की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन क्लियर है, ऑप्शन में भी राइट आंसर है, याद रखेंगे लोहा। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि किस वैज्ञानिक ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। फ्रेंड चले बताएंगे आप सभी, किस वैज्ञानिक ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन 5 के लिए राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे, ह्यूगो डे व्रिस ने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था। फ्रेंड अगला प्रश्न है, किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे, ओ नेगेटिव को। फ्रेंड ओ नेगेटिव को जो है फ्रेंड वो सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। सर्वग्राही किसे कहा जाता है, ए बी को हम सभी सर्वग्राही कहते हैं, जबकि सर्वदाता किसे कहते हैं, नेगेटिव ओ को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा उर्वरक अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे, यूरिया उर्वरक जो फ्रेंड ये अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए व्यक्तियों को डैश लेना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, ग्लूकोज लेना चाहिए। तो कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को क्या लेना चाहिए, तो ग्लूकोज का सेवन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डी वोनिक कल्प को डैश के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, मछलियों का स्वर्ण युग कहा जाता है। फ्रेंड याद रखेंगे आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ईईजी निम्न में से किस बीमारी के निदान के लिए निकाला जाता है। तो ये मस्तिष्क के निदान के लिए निकाला जाता है फ्रेंड, ईईजी को याद रखेंगे, ऑप्शन में ए राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है फ्रेंड? चलिए बताएंगे क्वेश्चन में 11 के लिए राइट आंसर क्या होगा, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ब्लू व्हेल। फ्रेंड ब्लू व्हेल जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है? और देखिए आप सभी को बताना चाहते हैं, अभी जो है कि बिहार डीएलएड के लिए जो भी कंप्लीट तैयारी नहीं कर पाए थे कुछ कारण से, उसके लिए प्रॉपर कम समय में तैयारी करने के लिए जो टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ और ईबुक था और जो क्लासेस इंपॉर्टेंट था वो सारा दे दिया गया है, अलग से टारगेट कोर्स शुरू कर दिया गया है जो आपके एग्जाम्स के लिए टारगेट है 14 से लेके 20 सितंबर तक का। तो जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, मिनिमम फी में 149 रुपया में आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है टू द पॉइंट, ताकि कम समय में आप अधिक से अधिक स्कोर कर सके अगर जब उसे कवर कर लीजिएगा। तो ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप सभी डायरेक्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर देके रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद कोर्स को बाय कर लीजिएगा आप सभी, क्योंकि जब तक आपका बेहतर तैयारी नहीं होगा तब तक आपको सरकारी कॉलेज में सीट नहीं मिलने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा के प्रकार हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, दोनों ए और बी, सहज प्रतिरक्षा और अनुकूलक प्रतिरक्षा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एक लिंगी है? तेलचट्टा, ऑप्शन में सी राइट आंसर है। फिर तेलचट्टा जो है ये एक लिंगी होता है, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रोटीन के मूल घटक क्या है? एमिनो अम्ल, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। तो प्रोटीन का मुख्य घटक क्या है फ्रेंड? तो एमिनो अम्ल जो है फ्रेंड वो क्या है, प्रोटीन का मुख्य घटक है, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, डेंगू किसके कारण होता है? चलिए बताएंगे आप सभी, डेंगू जो फ्रेंड ये किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। डेंगू बीमारी जो फैलता है ये किसके कारण फैलता है? तो विषाणु के कारण फैलता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मेटामोफोर्सिस में नहीं देखा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में डीजेंगे, मछलियों का वर्ग नहीं देखा जाता है इसमें, ध्यान रखेंगे। क्या चीज नहीं देखा जाता है? तो मछलियों का वर्ग नहीं देखा जाता है इसमें, ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बायोचिप में क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन में डीजेंगे, आरएनए डीएनए और प्रोटीन होता है बायोचिप में। तो ध्यान रखेंगे आप सभी, क्या क्या मौजूद होता है बायोचिप में? तो आरएनए डीएनए और प्रोटीन होता है। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे बड़ी कायिक कोशिका कौन सी है फ्रेंड? चलिए क्वेश्चन 18 के लिए आप सभी राइट आंसर बताइएगा, सबसे बड़ी कायिक कोशिका कौन सी है? तो आप सभी को बताऊंगे, न्यूरॉन। फिर न्यूरॉन जो है ये सबसे बड़ी क्या है? कायिक कोशिका है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके अधिक मात्रा में होने के कारण चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, निकल। फिर निकल जो है ये अधिक चॉकलेट में पाए जाने के बाद क्या होगा, ये सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जानवरों में होने वाली वायरल बीमारी कौन सी है? ब्लू टंग, ऑप्शन में बी राइट आंसर है। फिर ब्लू टंग जो है ये जानवरों में होने वाली ये एक वायरल बीमारी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में सीजेंगे, विटामिन सी नींबू में पाया जाता है, जिसे स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ये नींबू में पाया जाता है, तो कहे तो खट्टा पदार्थ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर में फैलती है फ्रेंड?
स्वाइन फ्लू। फ्रेंड स्वाइन फ्लू जो है ये सुअर में सबसे अधिक मात्रा में ये बीमारी देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर रहे तो सुअर में कौन सी बीमारी फैलती है, तो स्वाइन फ्लू बीमारी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अनुमस्तिक जिसे सेरी ब्लेम भी कहा जाता है, ये अनुमस्तिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है ऑप्शन में बी, ये गति भाषण दृष्ट गंध स्वाद सुनवाई वृद्धि आदि को नियंत्रित करता है, ये बिल्कुल क्या है गलत है। सही क्या है अनुमस्तिक के बारे में, ये मस्तिष्क के पीछे के क्षेत्र में स्थित है बिल्कुल सत्य है, ये पश्च मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है बिल्कुल सत्य है, ये शरीर के संतुलन को बनाए रखता है ये भी बिल्कुल सत्य है। सत्य क्या नहीं है, ये गति भाषण दृष्ट गंध स्वाद सुनवाई वृद्धि आदि को नियंत्रित करता है, ये बिल्कुल क्या है अनुमस्तिष्क के बारे में गलत कथन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अलग समूह से संबंधित है। रेबीज, फ्रेंड रेबीज जो है ये अलग समूह से संबंधित है, जबकि स्कॉर्बिक सूखा रोग रतौंधी ये सभी एक वर्ग में आते हैं, जबकि रेबीज अलग समूह में आते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्र झिल्ली के बिना होता है डैश कोशिका कहलाती है, तो इसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है उसे हम सभी क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, यह करता है कार्बोहाइड्रेट, यानी सी राइट आंसर हो जाता, कार्बोहाइड्रेट जो है यह मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, कहें तो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करता है। इसका स्वाद जो होता है वो मीठा होता है, तो याद रखिएगा किस प्रकार का होता है, स्वाद मीठा होता है इसका। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, नियासिन डैश का एक रूप है, तो ये है विटामिन B3 का एक रूप है, ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगर बात करें विटामिन B3 के बारे में तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, निकोटिनेमाइड होता है, और इसकी कमी से त्वचा पर दाद होने लगता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है यह हरित गृह गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी एक हरित गृह गैस हैं। अगर बात करें हम नाइट्रोजन के बारे में तो यह वायुमंडल में लगभग 78% तक पाए जाते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर जो होते हैं वह 7 होते हैं, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखिए, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं जिम्नोस्पर्म से, सी राइट आंसर हो जाएगा। संसार का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, यूकेलिप्टस, लिख देते हैं, यूकेलिप्टस जो है यह संसार का सबसे लंबा पौधा है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है, यह किया जाता है पारिस्थितिकी इकोलॉजी विज्ञान की भाषा के अंतर्गत, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन क्या है, तो यह विटामिन है जो कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। अगला प्रश्न है, शहद का एक घटक है फ्रुक्टोज, डी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रुक्टोज जो है यह शहद का एक मुख्य घटक है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, तो आपसे को बताऊंगे विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, अंडा, ऐसे तो गाजर होता है पर गाजर ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में ए को यहां टिक करेंगे अंडा को, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर होता है, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अगला प्रश्न, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, हिप्पोक्रेटस का शपथ दिलाई जाती है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को, क्योंकि हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है,
सी राइट आंसर हो जाएगा 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? रोगाणुवाहक कहा जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग पैदा होता है? यह होता है शीशा के कारण, ए राइट आंसर हो जाएगा। शीशा के वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग पैदा होता है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है, ये होते हैं प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए मानव जो होते हैं वो प्राथमिक और द्वितीय दोनों उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि मानव शाकाहारी और मांसाहारी भी होते हैं, तो इसीलिए प्रथम उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। जैसे बकरी ये प्रथम उपभोक्ता में आते हैं, जैसे आपका शेर ये द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। अगला प्रश्न है, जल से भय किस रोग का लक्षण है? ये है रेबीज रोग का लक्षण है, जल से भय, जिसे रेबीज रोग होगा वो जल से डरेंगे। अगला प्रश्न है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? यह है एंजाइम, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से, प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? फीमर, फीमर जो है मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है, जिसे जांघ की हड्डी के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। स्टेपीज यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि कान की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वी कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, वन के विकास का वर्णन होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा, वन के विकास का वर्णन होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? यह किया था कॉर्नबर्ग ने, बी राइट आंसर हो जाएगा। कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, जबकि डीएनए संश्लेषण किसने दिया था, तो यह दिया था जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने, 1953 में दिया था। तो ध्यान में रखिएगा, अगर प्रतिपादन की बात करें तो आप सभी क्या मारेंगे, कॉर्नबर्ग को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्संचरणीय रोग है? मधुमेह, ये क्या है, एक उत्संचरणीय रोग होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? हर एक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ह्यूमरस अस्थियां कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है ऊपरी भुजा में, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है, बी राइट आंसर हो जाएंगे। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण जो कहलाता है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये बन रहे हैं, संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है। देखिए फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, तो अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करेंगे आप सभी। फाइटो जियोग्राफी कहलाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी रचना जंतु कोशिकाओं को वनस्पति कोशिका से विभेद करती है? सेंट्रीओल करती है, सेंट्रीओल जो है ये जंतु कोशिकाओं को वनस्पति कोशिका से विभेद करती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये बन रहे, वार्षिक बलियों का अध्ययन कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंजियोप्लास्टिक से किस रोग का उपचार किया जाता है? हृदय रोग का,
हृदय रोग का जो उपचार होता है वह एंजियोप्लास्टिक से होता है। अगला प्रश्न है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषण जो मानसिक रोग पैदा करता है वह है। सी राइट आंसर हो जाएगा पीबी, शीशा जो है मानसिक रोग पैदा करता है और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 82। अगला प्रश्न है, कोरेलाइट जड़े पाई जाती है, साइकस में पाई जाती है कोरेलाइट जड़े। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, काली खांसी को डॉट डॉट भी कहा जाता है। ए राइट आंसर हो जाएंगे पर्टुसिस कहा जाता है काली खांसी को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग क्रो रक्त में एक विषैला पदार्थ बनती है? यह बनती है CO कार्बन मोनोऑक्साइड से। सी राइट आंसर हो जाएगा।